और अब हम उस आतंक की बात करेंगे जो देश भर के शहरों में खंभों पर लटका हुआ है। भारत का शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जहां आपको सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स न मिले। ये होर्डिंग्स भी एक प्रकार का प्रदूषण है। आप इसे अंग्रेजी में विजुअल पोल्यूशन भी कह सकते हैं, क्योंकि मन ना होने पर भी आपको सड़क पर चलते हुए इन बड़े बड़े होर्डिंग्स को देखना पड़ता है। सड़कों के बीच में या फिर किनारों पर खंभों पर लगाए जाने वाले बड़े बड़े विज्ञापनों को होर्डिंग, बिलबोर्ड या फिर साइन बोर्ड भी कहा जाता है। लेकिन अब ये होर्डिंग्स जानलेवा साबित हो रहे हैं। देश के ज्यादातर शहरों में बिना इजाजत लिए अवैध तरीके से लगाए गए होर्डिंग्स जरा सी हवा चलने पर भी गिर जाते हैं और सड़क पर चल रहे लोगों की जान ले लेते हैं। हमारा मानना है कि ये होर्डिंग्स इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि इन्हें भ्रष्टाचार के कमजोर खंभों पर खड़ा किया जाता है। देश के तीन बड़े शहरों से ऐसी ही कुछ तस्वीरें आज हमारे पास आई हैं, जहां बड़े बड़े होर्डिंग्स ने सड़कों पर चल रहे लोगों की जान ले ली और उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। 20 मई को हैदराबाद के जुबली हिल्स चेक पॉइंट के पास एक बड़ा होर्डिंग नीचे खड़ी कारों पर गिर गया। गनीमत यह रही कि नीचे खड़ी कार्स में कोई बैठा हुआ नहीं था, इसलिए किसी की जान नहीं गई। लेकिन नोएडा के लोग इतने खुशकिस्मत नहीं थे। 23 मई को नोएडा में एक बड़ा होर्डिंग सड़क पर गुजर रहे वाहनों पर गिर गया और इसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए। इसी तरह 5 मई को गाजियाबाद में एक 40 फीट चौड़ा होर्डिंग जीटी रोड पर चल रहे वाहनों पर जा गिरा। इस हादसे में 3 वाहनों में सवार 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। इन होर्डिंग्स पर ज्यादातर विज्ञापन लगाए जाते हैं, जिनसे कुछ कंपनियों को लाखों और करोड़ों रुपए की कमाई होती है। चुनाव के वक्त बड़े बड़े नेता भी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाते हैं। सरकार भी होर्डिंग्स और साइन बोर्ड्स की मदद से जरूरी सूचनाएं और रास्तों की जानकारी लोगों तक पहुंचाती है। लेकिन इन होर्डिंग्स के रखरखाव को लेकर कोई स्पष्ट नियम न होने का फायदा उठाया जाता है और कमजोर हो चुके होर्डिंग्स लोगों की जान के लिए खतरा बन जाते हैं। फिक्की और KPMG की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आउटडोर एडवर्टाइजिंग का बाजार 2,200 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, जबकि सन 2019 तक यह बाजार 3,500 करोड़ रुपए का हो जाएगा। जाहिर है इस रकम का एक हिस्सा उन अधिकारियों की जेब में भी जाता है जो सड़कों पर इन अवैध होर्डिंग्स को लगाए जाने की इजाजत देते हैं। सड़कों पर होर्डिंग्स लगाए जाने को लेकर अलग अलग शहरों में अलग अलग नियम हैं, लेकिन मोटे तौर पर कुछ नियम ऐसे हैं जिनका पालन लगभग हर शहर में किया जाना चाहिए। इन नियमों का आधार 1997 में आया सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के मुताबिक उन सभी होर्डिंग्स को सड़कों से हटा देना चाहिए जो खतरनाक हैं या फिर जिनसे ट्रैफिक की मूवमेंट बाधित होती है। ऐसा कोई विज्ञापन या बोर्ड जो ट्रैफिक का ध्यान भटकाता हो उसे भी हटाया जाना चाहिए। सड़कों के किनारे से लेकर 75 मीटर तक के दायरे में विज्ञापनों का बोर्ड नहीं लगाया जाना चाहिए। हाईवे पर होर्डिंग्स और शराब के ठेके भी नहीं होने चाहिए। एक नियम यह भी है कि जो होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं वो क्लटर्ड ना हो, यानी एक साथ एक ही जगह पर कई होर्डिंग्स नहीं लगाए जाने चाहिए। विज्ञापनों वाले होर्डिंग्स सड़कों के बीच में, क्रॉसिंग्स पर और इंटरसेक्शंस पर नहीं होने चाहिए। आपको बता दें कि इंटरसेक्शन उस जगह को कहते हैं जहां एक सड़क दूसरी सड़क को काटती है। लेकिन हमें नहीं लगता कि शहरों में होर्डिंग्स लगाते वक्त इनमें से किसी भी नियम का पूरी तरह पालन किया जाता है। लालच के खंभों पर खड़े ये होर्डिंग्स साइलेंट किलर्स की तरह हैं और हमें लगता है कि पूरे देश में इनके खिलाफ एक अभियान चलाए जाने की जरूरत है। देश के आम आदमी को सड़कों पर सुरक्षित रूप से चलने का स्वराज मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हक है। इसलिए आज हमने देश भर के शहरों में कमजोर खंभों पर लटके इस आतंक का एक DNA टेस्ट किया है। ये आपकी सुरक्षा से जुड़ा एक जरूरी विशेषण है जिसे आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। ये सड़क पर लटकती हुई साक्षात मौत है। सड़कों पर लगे विज्ञापन जनता पर मौत बनकर टूट रहे हैं। एकदम एडेंस से हो गया पूरा, एकदम टूट के एकदम नीचे। गाड़ी वाले खिड़की काट के निकाला है, गाड़ी वाले को देखो, और जो बाइक वाला है एक भी उसकी डेथ हो गई है। इसीलिए हमने देश भर के शहरों में सड़क पर लटकती हुई मौत का ऑन द स्पॉट DNA टेस्ट किया है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैदराबाद के जुबली हिल्स की, जहां पिछले शुक्रवार को तेज आंधी से ये होर्डिंग टूट गया।
जिससे एक कार के शोरूम के बाहर खड़ी 8 गाड़ियों का कचूमर बन गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे इस भारी भरकम होर्डिंग के नीचे कारें बुरी तरह से कुचली हुई हैं। लेकिन गनीमत यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, क्योंकि तब इन कारों में कोई नहीं था। पिछले शुक्रवार को हैदराबाद में जबरदस्त आंधी आई थी, जिसके चलते ये जो होर्डिंग आप देख रहे हैं पूरा उखड़ करके इस तरफ आया। मैं तो अंदर बैठा हुआ था, मेरे को कुछ आवाज़ आया था और 5 सेकंड के अंदर ये जो यूनिपोल है ना सर, वो गिर गया। यहाँ पर हमारे कस्टमर्स के और हमारे खुद के गाड़ियाँ भी थे, उसी के ऊपर गिर गया। टोटली 8 गाड़ियाँ इसमें नष्ट हो गए, पूरा का पूरा डैमेज हो गया। हालांकि हैदराबाद नगर निगम का दावा है कि 2011 से शहर भर में किसी भी नए होर्डिंग को लगाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अब तो होर्डिंग्स का परमिशन मना है, 2011 के बाद फ्रेश नहीं दे रहा है। उससे पहले जो भी दिया, ये एक्सीडेंट जो हुआ वो गिर गया, वो 2006 में दिए थे। एंड जो पहले देते वो एम्पैनल्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स का सर्टिफिकेट लेते हैं, एंड एवरी ईयर आल्सो दिस एम्पैनल्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स ये स्ट्रक्चरल सेफ्टी को अच्छा है बुरा है वो इंस्पेक्शन करके वो रेकमेंड करने के बाद रिन्यूअल होते रहते हैं। ये तो ओनली रिन्यूअल करते रहते हैं। अब 2011 के बाद बिल्कुल नया परमिशन नहीं दे रहे। हैदराबाद में तो किसी की जान नहीं गई, लेकिन नोएडा में ये बाइक सवार इतना खुशकिस्मत नहीं था। 23 मई को आए तूफान में नोएडा के सबसे कमर्शियल इलाके सेक्टर 18 में एक बड़े मॉल के बाहर नोएडा अथॉरिटी का ये भारी भरकम होर्डिंग गिर गया। इस हादसे में इस बाइक पर सवार एक शख्स की मौत हो गई। होर्डिंग गिरने से इस कार का भी कचूमर बन गया और कार सवार व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गए। लापरवाही तो अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में, लापरवाही के नट टूटे हैं इसके, लापरवाही है तो अथॉरिटी का बोर्ड है इसमें। इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 18 मार्केट में। आपको बता दें कि ये वही मार्केट है, यहीं से चंद कदम दूर पर पिछले हफ्ते ही एक शख्स की मौत हो गई जब उसके सर पर एक बड़ा सा यूनिपोल आ गिरा। सवाल यही है कि लाखों कमाने के लिए इतने बड़े डिस्प्ले बोर्ड तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन जनता की सुरक्षा का क्या जो इनके नीचे से होकर गुजरती है। दिल्ली में भी नियम कायदों की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यह दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज के बाहर लगा होर्डिंग। होर्डिंग को वेल्डिंग करके बस किसी तरह से सीधा रखने की कोशिश की गई है। मौजूद है राष्ट्रमंडल खेल ग्रामीण क्रीड़ा स्थल यानी गेम्स विलेज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने, और इसके ठीक सामने एक ये बोर्ड लगा है, और इसकी हालत देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्यों हम कह रहे हैं कि पॉलिसी सिर्फ कागजों में बंद रह गई है। ये पॉलिसी के हिसाब से स्ट्रक्चरल सेफ होना चाहिए, लेकिन इसकी सेफ्टी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस पोल में 4 जगह पर वेल्डिंग करके इसको सीधा रखने की कोशिश की गई है, फिर भी ये टेढ़ा है। यहाँ पर जंग लगा हुआ है, वेल्डिंग से इसे सहारा देने की कोशिश की गई है। नियमों के मुताबिक किसी टी पॉइंट, चौराहे और इंटरसेक्शन से 75 मीटर के दायरे में कोई भी विज्ञापन का बोर्ड नहीं लग सकता है। ट्रैफिक साइनेज के 75 मीटर के दायरे में कोई भी प्रचार सामग्री नहीं लग सकती है, लेकिन इन नियमों की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के आधार पर एमसीडी ने जो पॉलिसी बनाई उसके अनुसार जो सड़क मर्ज कर रही हो, यानी दो रास्ते मिल रहे हो, उसके 75 मीटर के दायरे में कोई बिलबोर्ड नहीं लग सकता। आप देख सकते हैं फ्लाईओवर से ट्रैफिक आ रहा है, नीचे का ट्रैफिक यहां से आ रहा है, दोनों ट्रैफिक मिल रहे हैं और ठीक सामने 3 एडवर्टाइजमेंट लगी हैं। सिर्फ इकलौता उल्लंघन ये नहीं है, वही एमसीडी की पॉलिसी बताती है कि किसी भी साइन बोर्ड, वो साइन बोर्ड जो किसी ड्राइवर को दिशा दिखाता हो, रास्ता बताता हो, उसके 75 मीटर के दायरे में कोई भी बिलबोर्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ रोड इंटरसेक्शन है, आगे साइन बोर्ड है, दोनों ही बातों का उल्लंघन कर रहा है, और साथ में बिल्कुल एक एडवर्टाइजिंग बोर्ड लगा है और उससे चंद कदम यहाँ, यानी यहाँ पर रोड डाइवर्जन का उल्लंघन हो रहा है, रोड साइन बोर्ड का उल्लंघन हो रहा है, 75 मीटर की कंजेशन रूल का उल्लंघन हो रहा है। मुंबई की सड़कें भी इस विजुअल पॉल्यूशन से बुरी तरह पटी हुई है। मुंबई में सड़क पर गाड़ी चलाने वाले लोगों को अक्सर सड़क किनारे लगे हुए होर्डिंग से समस्या होती है। इट इज डेफिनेटली वेरी हार्मफुल बिकॉज़ द होर्डिंग्स आर सेंसिबली गुड इनफ टू जस्ट हैव अ लुक एट इट, बट समटाइम्स व्हेन यू गोइंग इन अ गुड स्पीड ऑफ अदर कार्स हु बीन पासिंग बाय फ्रॉम नेक्स्ट टू यू, इट टेंड्स टू जस्ट
shake you around because it goes at a fast speed. So when you're looking over there, you don't tend to realize that either you're going to bang with someone else or not. So it's really very harmful. It should be removed. And I think it's the government that should realize and understand this. So when we go straight, तो अचानक से लेफ्ट साइड में बोर्ड होते हैं, तो उसको जब पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते अचानक से कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है या फिर लेफ्ट से राइट गाड़ी जा सकता है, ऐसा होकर एक्सीडेंट हो सकता है। हालांकि बीएमसी का दावा है कि मुंबई में ऐसा कोई भी होर्डिंग नहीं है जो आंधी तूफान से गिर जाए। अभी इस बार तो आपने देखा होगा कि होर्डिंग बहुत कम है मुंबई में, जो होर्डिंग्स को बैन किया गया है सिर्फ कमर्शियल होर्डिंग्स है, तो वो गिरने की संभावना नहीं होती क्योंकि वो हर तरह से फिक्स्ड होते हैं, तो होर्डिंग्स गिरने की संभावना नहीं। कभी कभी अभी कैलामिटी आ जाती है, उसको तो कोई रोक नहीं पाता। यह है जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे, यहाँ किसी भी तरह के होर्डिंग लगाने की पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद होर्डिंग की भरमार दिखती है। और अगर होर्डिंग्स लगानी भी है तो पर्टिकुलर जगह पे ली जाए, उनकी टेंडरिंग होनी चाहिए और पर्टिकुलर लोकेशंस में होनी चाहिए जहाँ पे एक्सीडेंट का खतरा कम हो। उनको चाहिए होर्डिंग थोड़ा साइड पे हटके लगाएं, इससे आम पब्लिक को सेफ्टी होगी और जो गाड़ी चलाने वाला उनको भी थोड़ा सेफ्टी मिलेगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का मानना है कि इन्हें रोकने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर एक साझा नीति बनाए जाने की जरूरत है। स्टेट गवर्नमेंट उसमें पॉलिसी बनाने के लिए उत्तरदायी है, उसके हिसाब से वो जो भी पॉलिसी उसमें बनाए, जिससे कुछ जगह पे तो लगा सकते हैं जहाँ पे सेफ हो, हाईवे सेफ्टी को जहाँ पे खतरा ना हो, लेकिन उसके लिए गाइडलाइन भी उन्हीं को बनानी है और उसमें वायलेशन अगर कोई होता है तो स्टेट गवर्नमेंट को उसमें कार्यवाही भी करनी चाहिए। और ये हाल है बिहार की राजधानी पटना का, यहाँ भी सड़कों पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ होर्डिंग ही नजर आते हैं। हालांकि सरकार होर्डिंग माफिया के आगे अपनी बेबसी दिखा रही है। जो होर्डिंग्स माफिया हैं, ये लोग भी बड़े चतुर और तेज तर्रार हैं, इनका पूरा रैकेट है पूरे देश भर में, और निश्चित रूप से ये इन पर जब कार्रवाई प्रारंभ होती है तो ये लोग माननीय उच्च न्यायालय का शरण लेते हैं, वहाँ जाकर सरकार पर, सरकार के एजेंसी पे, नगर निगम पे केस दर्ज कराते हैं, मामला को दूर तक और लंबा खींचने का प्रयास करते हैं। यानी कुल मिलाकर आज पूरा देश इस विजुअल पॉल्यूशन की चपेट में है। भ्रष्टाचार की बुनियाद पर टिके ये होर्डिंग आज लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।